दोस्तों आज की ये वीडियो पेंट हाउस के बारे में है जो कि गैलेक्सी डेवलपर्स के पाम हाइट्स प्रोजेक्ट के अंदर है। इसकी लोकेशन है न्यू सनी क्लिफ सेक्टर 125। इस प्रोजेक्ट में जो जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज आपको मिलेंगी उनकी डिटेल में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि ये जो आपको एक रास्ता और बालकनी नज़र आ रही है ये सिर्फ आपके फ्लैट के लिए ही है। फ्लैट है दोस्तों हमारा 6th फ्लोर पे। लगभग 2600 स्क्वायर फीट इस फ्लैट का सुपर एरिया है जिसमें 3 BHK का फ्लैट है लगभग 1600 स्क्वायर फीट में, और 1000 स्क्वायर फीट आपको एक एक्स्ट्रा ओपन एरिया मिलेगा जो कि इस तरफ से कनेक्टेड रहेगा, और दूसरा आपको अपने घर के अंदर से भी उस एरिया में जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता मिलेगा। दोस्तों आप देख पाएंगे कि हमारी इस घर में दो एंट्रियाँ रहेंगी, डबल एंट्री रहेगी इस घर की। एक एंट्री ये ठीक सामने रहेगी और एक हमारी रहेगी मेन एंट्री जो कि इस तरफ से रहेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो जितने भी डोर्स हैं, जो भी हमारा वुडवर्क है, इसमें भी बड़ा ही फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है। और दोस्तों अब हम अपने फ्लैट के अंदर आ चुके हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि बड़ा ही प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वर्क आपको मिलेगा। और सबसे पहले आपको लगभग 11 फीट बाय 16 फीट के साइज का एक ड्राइंग रूम मिलेगा, काफ़ी स्पेशियस, और पूरे घर में फ्लोरिंग में रहेगी डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स। और इस फ्लैट में दोस्तों कुछ काम ऑनर की तरफ से एक्स्ट्रा भी करवाया गया है जो कि आपको इस वीडियो में नज़र आ भी जाएगा। दोस्तों ड्राइंग रूम के बाद आपको हमारा मिलेगा लिविंग एरिया लगभग 11 फीट बाय 11 फीट के साइज का, और ठीक सामने हमारा डाइनिंग एरिया बिल्कुल अलग से मिलेगा। लगभग इसका साइज भी 11 फीट बाय 11 फीट है, और डाइनिंग एरिया के ठीक सामने इस तरफ हमें मिलेगी किचन, काफ़ी बड़ी सी, काफ़ी स्पेशियस, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा वुडवर्क भी मिलेगा। लगभग 8 फीट बाय 16 फीट हमारी इस किचन का साइज रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको इस एरिया में टीवी पैनल मिलेगा और एक बाथरूम जो कि बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है, उस बाथरूम को कनेक्टिविटी हमारे इस कॉमन एरिया से भी मिलेगी, ताकि घर के अंदर कभी गेस्ट आए उनको वॉशरूम यूज़ करना हो तो वो बिना बेडरूम में जाए इस वॉशरूम को इस्तेमाल कर सकें। और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड हमारा ये बाथरूम है, और इस तरफ से भी आपको एक और दरवाज़ा नज़र आ जाएगा जो कि कनेक्ट करेगा हमारे बेडरूम से इस बाथरूम को। दोस्तों जब भी आप रीसेल का घर देखते हैं तो उस घर को देखने से आपको अपने घर की सेटिंग और प्लानिंग करने का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सामान लगा होता है, तो आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारा जो सामान रखा जाएगा वो रखने के बाद कितनी स्पेस बचेगी, किस तरफ कितना एरिया जो है वो बचेगा। दोस्तों ये है हमारा एक बेडरूम लगभग 10.5 फीट बाय 14 फीट के साइज़ का, और दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी खासी स्पेस बचेगी हमारे बेड के लगने के बाद। और इस तरफ रहेगा एक टीवी पैनल जिसके साथ कपबोर्ड्स हैं हमारे बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक, और ठीक सामने आपको एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा है जो कि हमारे बाथरूम को कनेक्ट करेगा हमारे इस बेडरूम के साथ, और पीछे बालकोनी के लिए रास्ता रहेगा। बालकोनी दूसरे बेडरूम से भी कनेक्टेड है, तो अभी हम चलते हैं उस बेडरूम की ओर, उस तरफ से हम उस बालकोनी को अच्छे से देख पाएंगे। और दोस्तों ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम जिसमें है वुडन फ्लोरिंग, इसका साइज है लगभग 11 फीट बाय 14 फीट, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमें काफ़ी अच्छा सा टीवी पैनल मिलेगा, और एक अच्छा साइज और खुला डोला सा बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ जो कपबोर्ड्स हैं, ड्रेसिंग एरिया है, वो बिल्कुल सेपरेट रहेगा। इसके साथ ही बाथरूम हमारा बिल्कुल अलग से इस तरफ मिलेगा इस मास्टर बेडरूम के साथ, और ये ठीक सामने हमारे कपबोर्ड्स। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी हमें बालकनी में जाने के लिए दरवाज़ा मिलेगा, और साथ में रहेगी एक विंडो वेंटिलेशन के लिए, और एक काफ़ी बड़ी सी खुली सी स्पेशियस हमें बालकनी मिलेगी जो कि दोनों बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। और जब आप 6th फ्लोर पे फ्लैट लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको एयर भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, फ्रेश मिलेगी,
और मॉस्किटोज़ वगैरह भी कम ही आते हैं, थोड़ा सा शोर शराबा भी कम रहता है, पीसफुल सा रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा मास्टर बेडरूम, दो बेडरूम्स हमने देख लिए, अब हम चलते हैं अपने इस घर के तीसरे बेडरूम की ओर, जो कि ठीक सामने इस तरफ रहेगा। इसका साइज़ है लगभग 10.5 फीट बाय 13.5 फीट। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ आपको कपबोर्ड जो है वो इस तरफ ठीक सामने मिलेंगे, और एक रास्ता आपको इस बेडरूम में और मिलेगा जो कि हमें डायरेक्टली कनेक्ट करेगा बाहर से। और बाथरूम इस बेडरूम के साथ इस तरफ रहेगा अटैच। तो कुल मिलाकर 3 बेडरूम 3 बाथरूम है हमारे इस फ्लैट में, इस घर में। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ इस घर की सबसे खास चीज़। ये आपको लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ओपन एरिया अलग से मिलेगा इस फ्लैट के साथ, जिसमें आने के लिए आपको बाहर से एक सीधा रास्ता भी मिलेगा। जिसका मतलब यह है कि अगर आप घर में कोई छोटा फंक्शन करना चाहते हैं, बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये एरिया आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बच्चों के खेलने कूदने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल जाती है, आप अपना पर्सनल जिम बनाना चाहते हैं उसके लिए अच्छी स्पेस आपको मिल जाएगी, और एक स्टोर भी ओनर ने बनाया हुआ है इसी एरिया में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पेंट हाउस फ्लैट, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।